जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाई सँगसँगै आदरणीय दर्शक वृंद, आज जो है हम आप लोगन के यहाँ योगा गांव मेला के कार्यक्रम के दर्शन करेबे। योगा गांव मेला के ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। जैसा कि आप सबका मालूम है कि अवध संस्कृति के अंतर्गत जो है गतिविधि का व्यक्त करे के माध्यम जो है कई प्रकार हैं, और उमा जो है ये मेला संस्कृति के अंतर्गत मेला के बड़ा महत्व है। मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर में जो है शुरू हुआ है ये मेला, और कार्तिक पूर्णिमा जो है बहुत कई दृष्टिकोण से ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण माना गया है। सैकड़ों वर्ष पुराना जो है ये मान्यता हो के कारण से इसके जो है प्राचीनतम महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा में स्नान के बहुत ज़्यादा महत्व है, और कार्तिक महीना भर जो है जल जो है कहा जाए बहुत सफा रहा है, स्वच्छ रहा है। यही कारण से जो है कार्तिक पूर्णिमा में स्नान के महत्व का ऋषि मुनि मनीषी लोग जो है हमरे जो है इसका महत्व बताइन है। और यही क्रम के अंतर्गत जो है प्रमुख स्थानन में जहाँ तालाब है, सरोवर है, या कहा जाए मंदिर है, मठ है, नदी है, नाले हैं, वहाँ पर ही स्नान नहान के व्यवस्था किया गया है। वही अंतर्गत ही योगा गांव मेला आवत है। योगा गांव मेला प्राचीन काल से ही जो है बहुत महत्वपूर्ण रहा। यहाँ पर एक मंदिर है, और मंदिर के बगल में एक सरोवर है। इस सरोवर में बहुत से तीर्थन के जल पड़ा है, इस वजह से इस सरोवर का जो है तालाब का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इमां स्नान ध्यान करके लोग पहले मंदिर में पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ावत हैं, इसके बाद मेला करते हैं। मेला जो है बहुत से लोगन से मेल मिलाप, भेंट मुलाकात और स्थानीय जरूरत, आवश्यकता, जरूरत का पूर्ति करे के हिसाब से जो है मेला आयोजन होते आवा है। पहले प्राचीन काल में कहा जाए या आज से बहुत पहले, जब यातायात के साधन कम रहें और कहा जाए सड़क सुविधा कम रहा, तो लोग यही मेला से अपन बहुत सी आवश्यकता की पूर्ति करत रहें। तो हम आज आप लोगन का योगा गांव मेला ले चलित है, और योगा गांव मेला में जैसा आप देखा जाते हैं कि लोग आवे शुरू हो गए हैं। ये मेला कल से शुरू हुआ है और अभी कल तक और रही है, यानी तीन दिन तक मामूली मेला रहा है। हम आपका मेला के दर्शन करेबे, तो चला जाए मेला में, हम लोगन के साथ में आपका मेला दर्शन करेबे। आप लोगन तक यहाँ के सुंदर दृश्य पहुँचावे, बहुत सी जानकारी पहुँचावे के लिए प्राविधिक सहयोगी के रूप में जो है कैमरामैन रोहित निषाद जी हैं, और हम कार्यक्रम प्रस्तोता विष्णुलाल कुमार हैं। तो आप लोगन का विभिन्न चीज़ के दर्शन करोते ले चला जाए। ये यहाँ पर हमारे बाएं तरफ जो है यहाँ पर एक स्टैंड बना हुआ गया है, जहाँ पर साइकिल और मोटरसाइकिल इस सब के राहक व्यवस्था किया गया है, जिससे कि यातायात के साधन यहाँ रोक दिया जाए और मेला में कोई प्रकार के भीड़ और अव्यवस्था पैदा न हो। इस वजह से यहाँ के मेला समिति के लोग जो है यहाँ पर मोटरसाइकिल साइकिल जो है इका रखे के व्यवस्था की है। जहाँ तक कि जो है ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा या और चार पहिया के जो है साधन, उनके जो है वहीं तक आवे के लिए अनुमति दिया गया है। मेला में कोई प्रकार के अव्यवस्था न हो, इस तरफ जो है मेला समिति विशेष रूप से ध्यान पहुँचाई है। आप लोगन का जो है योगा गांव मेला के दर्शन कराए रहे हैं, और मेला के विभिन्न चीज़ का हम जो है आप लोगन तक पहुँचावे के प्रयास करबे, खास करके उन लोगन के लिए जो योगा गांव मेला जो है यहाँ ना आ पाइन है और कोई कारण से ना देख पाइन है, तो आप घर बैठ के और दूर दराज में जो है योगा गांव के मेला के दर्शन कर सका जाते हैं, देख सका जाते हैं मेला के। मंदिर
में आप आवागा देखा, प्रसाद भी चढ़ाए पूरे परिवार के सहित से, तो जरा हमारे दर्शक लोगन का बतावा जाए कि आप कब से आवा जाते, का नाम है, कहाँ से आए? दर्शक सबका हमारा नमस्कार है। हम छोटे छोटे रहे तभी से आते रहे यहाँ। अच्छा। हमारे बुआ लोग भी आवत रहे यहाँ पहले। हाँ। हमारे यहाँ बाबू गाँव के मामा लोग आवत रहे यहाँ। हाँ। नाना लोग आवत रहे, अब हम लोग आए थे, हमारे लड़के लोग भी आवत है, हम लोग भी तीन भाई हैं परिवार सहित हम लोग आए हैं। एक तो भगवान का आस्था है, उनके आशीर्वाद चाहिए हमका, बस वही भगवान का आस्था से हम लोग आवा है, दर्शन किया गवा है, बस सबसे बड़ा यही है कि आस्था हो चाहिए। अच्छा, पहले में और अब में तुमका का फर्क नहीं? पहले ये मंदिर बहुत पुराना रहा है। हाँ। पुराना रहा, इधर भी सब पुराना रहा है, ये अगर सब कुछ नहीं रहा है, सब पुराना रहा है। हाँ। खपड़े लिख रहा है, ये मंदिर पुराना, अब आया है तो देखिए तो सब बना है, अच्छा है, संतोष लगा है। अच्छा, पहले और श्रद्धालु में और आपके श्रद्धालु में संख्या के हिसाब से? नहीं, संख्या में कमी नहीं है। हाँ। देखी तो हम भीड़ भाड़ देखी तो आवत है, हम आए मंदिर आए और हाँ। भी आदमी आवत है। हाँ। आवत है, दर्शन करत है। हाँ। ये भगवान के आशीर्वाद से, भगवान के आस्था बढ़त है, कम न हो गया। ये हम जो है यहाँ ये मंदिर के मंदिर के महंत जी से बात करे थे। महाराज जी जय श्री राम, बैठा जाए महाराज जी। बैठ महाराज जी, ये मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी हो तो आप बतावा जाए हमारे दर्शक लोगन का कि आप जो है कितने बरस से ये मंदिर के पुजारी हो? हम बरस नहीं हुए सर। हाँ। हमका संत तो यहाँ बहुत आए। अच्छा। और सब कोई बीत गए। हाँ। कोई भगाए दिन गए। हाँ। समिति है। हाँ। रुक जा, समिति है इमा। हाँ। और समिति लोग से नहीं बन पावत है। अच्छा। अच्छा, समिति में कहे बन गए सरकार? हाँ। समिति बन गए संत के वजह से। हाँ। जब साधु हो गयो। हाँ। तब तुझे माँ या दुनिया से कौन जरूरी है? ना जरूरी। बोला जाए। हाँ। हम झूठ बात ना बोल पाए, जो कुछ सच्चाई जो भक्ति में आए हैं। हाँ। भगवान का पढ़े तो अपने आचरण से हम आए हैं। तो हमका दुनिया माया नहीं जरूरी है। तू आओ साधु बन के मैं बैठ जाऊँ, माया भगवान दिए है। हाँ। सरकार एक पुरुष, एक पुरुष रहा। हाँ। तो अपन जमीन में लिख दी है कि लोग करो खा पूजा हमार, अगरबत्ती लगाओ कि तू का पठे दी थे कि तू चलो बैठो तो कब बेच बेच घरे पठो। हाँ। तो यहाँ माँ संत नायरू पावत है। अच्छा। तो हमका तीन साल पुजारी की हैसियत जी, तीन साल से हम, तीन साल से। हाँ, तीन साल से इसमें। अच्छा जी, जब जैसे आप छोटे में भी आवागाओ? ना जी, ना आए हो ना आप लोग, बाल बच्चे हमारे दिए रहे, झूठ बात ना कहो सरकार हम। अच्छा। गलत बात तो कैसा है यहाँ श्रद्धालु लोग बराबर आवा करते जाते? हाँ, साधु लोग आवत है बराबर। अच्छा, ये जो अभी देखा यहाँ पंगत पशु साधु महात्मा लोग प्रसाद पावत है जी। हाँ। तो इसके व्यवस्था को करत है? इसके व्यवस्था सरकार समिति है। हाँ। इसमें गल्ला है। अच्छा, गल्ला आवत खेती है। हाँ। नहीं से तो 70 बीघा। अच्छा, 70 बीघा जमीन है। 70 बीघा जमीन ही माँ। हाँ। साई गांव, पचपोकरा। अच्छा। नेवाजी गांव। हाँ। और जुआगा गांव। बस ठीक है। अच्छा। तो वो हम समिति से भी पूछ ले जी जी। ये आप बतावा जाए जैसे यहाँ तो आज मेला के समय में यहाँ। हाँ। लोग आए हैं यहाँ कुछ प्रसाद पावत हैं। हाँ। लेकिन और समय गाहे बगाहे अगर आ जाते हैं। हाँ। तो उनका प्रसाद के व्यवस्था कैसे हो? सरकार अगाहे बगावत है। हाँ। हम मौजूद है उनका भोजन प्रसाद। हम हाजिर हैं आपके सेवा में, हाजिर हैं। धन्यवाद। ना भूखे जाओ ना प्यासे जाओ, रात मारू को वढ़ना लियो बिछौना लियो और भोजन का। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज जी, जय श्री राम। रूपनगर बालका वार्ड नंबर 17 से। कौन? 17 से डोड़ेगा। डोड़ेगा से आवाज है। तो ये मेला जो है, आप तो बचपने जब यही थे रहा जाते हैं तो आप तो मेला बचपने से देखे हुई हो। तो पहले के मेला में और अब के मेला में आपके हिसाब से क्या फर्क है? फर्क बहुत कुछ है। खिलौना सिलौना बढ़िया बढ़िया आवत है और दुकान बढ़िया बढ़िया आवत है, झूला सूला आवत है। अच्छा। और डांस भी, नाच छोड़ के डांस आवत है। अच्छा। है ना, और आपके जौन चीज मुझे मेला में चाहिए सब चीज आवत है। अच्छा, पहले जो है भेड़ा के लड़ाई होता है, पतंग भी लड़ावत है लोग, तितुर बटेर भी लड़ावत है, वो सब का है होते नहीं? वो नहीं होते, वो सब खत्म हुई कि कोई आवत है कभी कभी? नहीं 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 आवत जी। और पहले के हिसाब से नयापन, जिसे पहले बहुत लोग लड़िया में यहाँ मेला देखे आवत है तमाम, तो आजकल वो लड़िया लहड़ू में यहाँ आवत नहीं जी? ट्रैक्टर से आवत है, रिक्शा से आवत है, टेम्पू से आवत है, मोटरसाइकिल से आवत है, साइकिल अब सब सुविधा है। बदलिएगा। हाँ, साधन बदलिएगा, आदमी बदल गया। पहले धोती पहन के आता है, पैंट शर्ट पहन के आते हैं, कोट पहन के आवत है ना। पहले लेडीज रहा है
तो साड़ी पहन के आता है। अकेले आवा का है जी कि परिवार से? नहीं, अकेले हैं। जी धन्यवाद। हमार घर है जानकी वार्ड नंबर एक माँ जोगा गांव में। जोगा गांव से हम ही मेला समिति के कोषाध्यक्ष हुए। वाह बहुत अच्छा। मेला में आप लोग जो ये मेला के जो व्यवस्थापन है, तो ये व्यवस्थापन में आपका जो है कौन कौन क्षेत्र से आप लोगों का सहयोग मिला था? आर्थिक सहयोग? आर्थिक सहयोग तो हम लोगों का कहीं से नहीं मिला था। पिछले 5 साल से हम लोग मेला कर रहे थे। अच्छा। हमारे साथी लोग रहे हैं, अध्यक्ष कोई कोषाध्यक्ष रहा है। स्थानीय ना होए के पहले कुछ लोग अगर वाड़ा से जो गाबीसा से सहयोग कर देते रहे उनके खुशी की बात रहे। और पिछले 5 साल से हम लोगों का 2 रुपया कहीं से सहयोग नहीं मिले थे। यही मेला से चंदा उठाए के यही व्यवस्थापन हम लोग करवाए थे, जो है नाच गाना नाटक करवाए थे और जो है सर सफाई करवावा जाते। पहले अस्थाई टॉयलेट नहीं रहता रहा, इस बार जो है अस्थाई टॉयलेट के भी व्यवस्था किया गया है हम लोग। अच्छा, एक चीज बतावा जाए जी, जिसे इस साल के बारे में तो जो हुई है हाँ, पर साल के मेला में जी आप लोगों का मेला में कितना खर्चा हुआ अंदाजी बताओ, कोई हाँ, जरूरी नहीं है। पिछले साल के मेला में 1,20,000 रुपया खर्चा हुआ, 1,07,000 रुपया आमदनी हुआ और कहीं से 2 रुपया किसी से नहीं हम लोगों ने मांगा। अच्छा। जो कम पड़ा तो वो पैसा हम लोगों के यहाँ जो मेला अध्यक्ष रहे वो और हम लोग मिल करके जो है पूरा किया गया। अच्छा, ये मेला में जो लोग आवत है जी, जो दुकान रखत है हाँ, वही लोग आप लोगों का हाँ, सहयोग करें खुशी से हाँ, उन लोगों के ऊपर कोई करना ही है हाँ, जिके जैसा दुकान है अगर हाँ, वो 10 कमाई से तो 1 चंदा दे हाँ, अगर ना कमाई से तो 9 चंदा दे। पिछले साल हम लोग आधा दुकान फ्री कर दिया करा है हाँ, छोटा छोटा सिर्फ मीठा के दुकान से और यह जो चाट वगैरह है इनसे उठावा गया है पैसा। स्थापन समिति के कोषाध्यक्ष जी आपका जानकारी करें कि मेला के धार्मिक महत्व भी है, सामाजिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, कई चीज़ के महत्व है के, तो ये महत्व सामाजिक और धार्मिक के विशेष रूप से है और ये महत्व के अंतर्गत यहाँ पर यहाँ जो है लोग ये मंदिर के बगल में एक किताब के दुकान भी है। ये किताब के दुकान में जो है ज़्यादातर धार्मिक किताब यहाँ पर आप देखा जा सकता है और ये धार्मिक कैलेंडर हैं, पुस्तक हैं, आरती है और जो है पंचांग है, ये सब जो है यहाँ बिकत है और लोग इका जो है श्रद्धालु लोग इका यहाँ से खरीदत हैं और ले जा के अपने घर में इके जो है भजन पाठ और यही से ज्ञान अर्जित भी करत हैं और दूसर का देत लेत भी हैं। यही मेरे इधर बगल में भी जो है कुछ सामग्री है जो उपभोक्ता सामग्री के रूप में है और महिला लोगन के लिए पर्स है, बच्चन के लिए है, महिला लोगन के लिए ज़्यादा जो है मुंदरी छल्ला और माला ऐसे तमाम चीज़ जो है यहाँ बिक्री के लिए लेके आए हैं। आप कहाँ से आए भाई? नेपालगंज से। नेपालगंज कहाँ से? नेपालगंज कोलियनपुरवा से। यही साल आए कि पहले भी आए? बहुत साल, 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से आवत हो? मेला में तो प्रवेश कर चुके हैं ना, बहुत चीज़ों के दर्शन भी कराए और मेला में खास करके मेला में सबसे ज़्यादा खाए पिए के ही व्यवस्था रहता है और खाए पिए के व्यवस्था अंतर्गत नमस्कार नमस्कार और मेला में जो है चाट के ज़्यादा बहुत महत्व होते हैं और जिका जैसे कहा जाता है पकौड़ी और जो है जलेबी पकौड़ी मिठाई, लेकिन आजकल जलपान में भी या चाट में भी कुछ परिवर्तन हो गया है। अब नए किस्म के चाट वगैरह भी जो है मिले लगे हैं, जिमा जो है चाउमीन है और मोमो है, ठीक है, साथ साथ में और चीज़ है, तो हम इनसे बात कराना चाहते हैं। आप कहाँ से आवा गए भैया? नेपालगंज। कौन जगह से? त्रिभुवन चौक। हर साल आवा जाते हैं? 50 साल से। 50 साल से ऊपर हो गया। कहीं अपन शुभ नाम बताओ। अशोक कुमार लखेर, कृष्ण गोपाल लखेर। कृष्ण गोपाल लखेर, अशोक कुमार लखेर। तो ये जो है जो आप आवत हो कई दिन रहा था? 5 दिन। लगभग कारोबार कैसा हो जाए? अच्छा हो। रोज करीब कितने आदमी? रोज लगभग लगभग 1 दिन के 12-15 हज़ार आदमी। आदमी तो बहुत रहा थे यहाँ पर आपके यहाँ? हमारे यहाँ लगभग 6 आदमी। यहाँ आपके यहाँ कितने ग्राहक तक लगभग अंदाज में बताओ कि एक दिन में निपटा ले? तो सबसे ज़्यादा कौन जिस दिन ज़्यादा भीड़ होता है उस दिन कितने तक आ जाते? अब कहा है कि कस्टमर ऊपर होते का कि कल कोई दिन ज़्यादा होता कोई दिन कम होता, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब पहले दिन रहते हैं।
तो आदमी गिनती नहीं कर सका जाते अंदाज लगभग 4-5 हज़ार आदमी कई साल से आप आवा जाते हैं 40-50 साल से 40-50 साल हो गया। और मेला ये बार हलुक है कि गरु है? हलुक है, एकदम हलुक है, मेला बहुत हलुक है, हलुक है। आज मेला बढ़े के है आज दूसरा आज दिन है? अब हाँ आज दूसरा दिन, आज देहाती मेला है, देखो कुछ बढ़ गए। हाँ बाजारू मेला कल ही रहा है। आदरणीय दर्शक, अभी हम आप लोगों का जोगा गाँव मेला के कुछ ऐतिहासिक महत्व, सामाजिक महत्व और इनके प्राचीनतम महत्व के बारे में बताएं। यहाँ पर जो कुटी है, तालाब है, उनके बारे में बात कराएं। अब हम जो है मेला के तरफ जो है प्रवेश करित है और मेला के आकर्षण मुख्य रूप से आप लोगों का देखेब है। ये मेला जो है देहाती मेला हो और बाज़ार के भी है, यहाँ पर लोग खाए पी के घर से निकलत हैं, खाना पीना खा के घर के काम काज कह के तब मेला के तरफ आवत हैं और तब आवत उनका 11-12 बज जात है। यही वजह से मेला में जो चहल पहल है वो 2-3 बजे के बाद नज़र आवत है। बाज़ार के लोग जल्दी भोजन पानी कर लेते हैं तो 9-10 बजे ही वो लोग जो है निकल पड़त हैं, लेकिन गाँव के आदमी जो है बहुत से काम रहते हैं, वो काम वाम निपटाए के तब जो है मेला के लिए निकलत है। यही वजह है कि मेला में जो चहल पहल है वो अभी अवत्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन 2-3 बजे के बाद ये मेला के चहल पहल बढ़ गई है। तब आपका यहाँ पर जहाँ हम आज देखे थे भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से चली थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आई है। जोगा गाँव के मेला जो है वो अपने आप में एक मिसाल है, बाकी जिला के प्रमुख मेला में यहाँ जोगा गाँव के मेला पड़त है। जैसा कि आप कैमरा के माध्यम से देखते ही आवागा है, वो जो है आपके यहाँ तमाम दुकानें यहाँ सज गई हैं और ये दुकानें जो है मेला के लोगन के जलपान करावे के लिए हैं। ये बच्चन के खेल खिलौना और साथ में जो है सामग्री, वाह ये जो है बाजा बजाए, और इधर जो है मूँगफली और जलपान के व्यवस्था है। इधर एक मंदिर भी है और हम आप लोगों का मंदिर के तरफ ले चल गए। यहाँ लैया भूजा चना सब चीज़ है। इधर जो हम आपका मंदिर के तरफ ले चल रहे हैं, ये बाबा श्री श्री 108 बाबा परमहंस महाराज जी, बलदेव जी दास जी के जो है समाधि स्थल है और हम उस तरफ आप लोगों का दर्शन करावे के लिए चलित है। ये जो है यहाँ के पुराने संत रहे और इस संत के बहुत बड़ा योगदान रहा यहाँ पर और ये जो कहा जाए ये जोगा गाँव मेला के लिए, तो वही समाधि स्थल है और इस समाधि स्थल के हम आपका दर्शन करा रहे हैं। श्री श्री परमहंस बाबा बलदेव दास जी महाराज इस समाधि स्थल है और यहाँ पर ब्रह्मलीन हुए हैं महाराज जी। यह इस समाधि स्थल में जो लोग बाबा के चेला रहे और परमहंस महाराज जी के चेला ही परंपरा रही और ये वजह से उनके हजारों के तादाद में जो है महाराज के जो है चेला रहे और वो चेला लोग जो है ये मेला में जब आवत हैं तो ये समाधि स्थल पर आवत हैं और अपना श्रद्धा भक्ति के अनुसार से दर्शन भी करत हैं और जो हो सकत है वो चढ़ावा भी करत हैं। ये समाधि स्थल के देखभाल के लिए यहाँ पर महात्मा माता जी भी हैं जो यहाँ पर जो है माता जी यहाँ इनके देखभाल करा जाते हैं और जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनका टीका वगैरह लगावा जाते हैं। आप कौन गांव से आप लोग आवागा है, कहाँ से, कौन जगह से? गंगापुर बाबागंज के पास कि रुपैडिया वाला रायबोजा के पास गंगापुर से, वहाँ से आप लोग आवागा? लगभग कई साल से आप लोग आवा जाते हैं? 5-6 साल से आवा जाते हैं। तो आप लोग इनके बिक्री आज कुछ मेला ठंडा लगा था कि कहाँ है? कालो ठंडा रहा है आजो है। हाँ तो बिक्री से कैसा है, ढीला है? ढीला है। अगर मान लो मेला बढ़िया हो जाए, जमक जाए तो लगभग कितना तक माल आपके उठ जाता है? अरे मंजूरी मेहनत आएगी उनका। नहीं तो थोड़ा अंदाज बताओ, पैसा नहीं
मतलब 2-4 किलो 50 किलो 10 किलो 20 किलो बाल। हाँ ऐसा भी है, 40-50 किलो 20 दिन के। छोटे मोटे जो है तो उन लोगों के लिए कुछ सामग्री खरीद के भी ले जाते हैं, और बड़े बड़े दुकान तो शहर बाज़ार में होते हैं, लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं वो लोग जो है मेला से ही अपने ज़रूरत के चीज़ें लेते हैं, और उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के इच्छा अनुसार जो है ये बनावा जाते हैं मेला। मेला में जो सामान है वो खास करके उन्हीं लोगों के हिसाब से, उन्हीं के आय स्तर के हिसाब से बनावा जाता है। हम बात करबे थोड़ा सा भैया, आप कहाँ से ये जो है लावागा है दुकान? नेपालगंज। नेपालगंज से जी। नेपालगंज कौन जगह से? MP स्कूल। MP स्कूल से लावागा है। तो ये सामान जो है नेपालगंज के उत्पादन हुई कि बाहर से? नेपालगंज के उत्पादन, यही के उत्पादन है। कम से कम कितने में यहाँ अधिकतम कितने तक के सामान है? अभी 250 से लेके 450 तक लग रहा है। मतलब ये जो आप माल यहाँ लावत हो तो ज़्यादातर गाँव के लोगों ने मेलहारी के हिसाब से ही लावत हो, ज्यादा महंगा चीज तो नहीं लाओ? ज्यादा महंगा ना है, बस यहाँ सस्ता मतलब ज्यादा चला था एक हिसाब से, यही हिसाब से। तो क्या है ऐसा है सब बिक गई है? हाँ सोच तो यही है, एक सोच के अलावा कहा कि बिकाया जाए। कल कैसा रहा आपके व्यापार? कल थोड़ा सा कम रहा है, आज लगा था कि मतलब आज सही रही मेला। धन्यवाद। बहुत विशिष्ट यहाँ पर दुकान जो है बहुत लाइन से है जयराम। मेला के जो असली पहचान है वो है लैया बताशा रेवड़ी। तो लैया बताशा रेवड़ी के यहाँ जो है ये मुख्य रूप से इका मेला के सामग्री कहा जाता है। लोग जब अपने घर जाते हैं वापस तो यही प्रसाद के रूप में इका लेके जाते हैं। तो आप कहाँ से आवागा है? पुरैना से। पुरैना से? पुरैना का विषय वार्ड नंबर 21। अच्छा, ये मेला में हर साल आवा जाते हैं? हर साल आवा जाता था। हाँ, और ये कितना माल लावागा है? अरे कम से कम 2 क्विंटल तो लावेगा है। हाँ, का लगाए हो रेट? वेट रेट 100 रुपया किलो है। अच्छा। खुटिया दाना 200 रुपया किलो है। अच्छा। हाँ, और ये जो है ये इतना आपका मालूम है कि जो माल लावत हो वो उतना खपत हो जाता है? हाँ खपत हो जाइए, 1000 खान मिलू जी, यही बात नहीं है। वही के हिसाब से तो लावत हो कि इतना बिक जाए तब है। कल तो वही 40-50 किलो माल उठा है। आज कैसा है? आज ठीक है ठाक है, चल रहा है अभी। आज चली जा, चल रही है, आज मेला ज्यादा है। अच्छा, मेला ज्यादा। बेच बेच खाना फिर भी ना हो राना है नहीं भैया? तो ये कहाँ से ये दुकान आवा है भैया आपके? जयपुर से। जयपुर से लाए हो? हाँ। क्या नाम है आपके? राजन अली बागवान। राजन अली बागवान जी। कौन कई साल से आओ? हम तो ये लगभग 5-6 साल हुई। 5-6 साल होगा। हाँ, पर साल जो है आपके अच्छी बिक्री हुई है? हाँ बहुत अच्छी बिक्री हुई है। हाँ। अच्छा, ये सामान वगैरह चुरात तो नहीं है ज्यादा? बहुत चुरात है। हाँ बहुत चुरात है। हाँ बहुत ज्यादा ध्यान रखे पर फिर भी चुराया जाता है। हाँ, ये जो सामग्री है ये ज़्यादा महंगी तो ना हुई है? है, कोई कोई महंगी है, कोई कोई सस्ती भी है। कम से कम रुपया 2 रुपया से लेके? हाँ, कम से कम 1 रुपया से लेके है हमें पास 500 रुपये तक। हाँ, तो आज कैसा है आज आप? आज अभी तो बहुत ढील ढाल है, आप बढ़े वाला है, मेला मेला के ऊपर है। दूसरे दिन मेला तकलाफ है? हाँ, दूसरे दिन मेला तकलाफ। हाँ, जैसा कि उधर अभी आप लोग सुनागा कि 1 रुपया से लेके 500 रुपया तक के सामान है। यहाँ पर बच्चन के खिलौना ज़्यादा हैं और प्लास्टिक के ज़माना आए हुआ है, इस समय हर चीज़ प्लास्टिक के है। हम बात करबे ए भैया से, ये दुकान आपके कहाँ से आई है? ये नेपालगंज से। नेपालगंज कौन जगह से? त्रिभुवन चौक से। अच्छा। हाँ, तो ये आपके जो है पार्सल भी ला रहे हैं? हाँ, पार्सल भी ला रहे हैं। हाँ, तो पार्सल कैसा रहा बिक्री? पार्सल तो बिक्री बहुत रही, आपकी बहुत ढील है। आपकी ढील है? हाँ बहुत। आज कैसा है लागी ढील? आज थोड़ा बहुत बाजार तो मार्केट अब थोड़ा अच्छा है इस समय। हाँ आज हो जाएगी, आज बढ़िया हो जाएगी। तो देख सुनागा जैसे पर साल जो है कई दिन साल से लोग आवत हैं, पर साल से इस साल अभी थोड़ा बाजार कुछ नरम बता रहे हैं। भैया कहाँ से आप आवागा है? नेपालगंज। कौन जगह से? वार्ड नंबर 9 बाकी गांव। बाकी गांव से? हाँ। हर साल आओ तो की हर साल।
कैसा रहा आपकी भीड़? भीड़ ठीक है, व्यापार नहीं है। व्यापार नहीं है? हाँ। काहे नहीं है? व्यापार सन्नाटा है। सब कम होएगा कि? अब ऐसा कुछ है, अपने बूते सब बड़ लगा लेते हैं। हाँ, अपने बूते कोई नहीं लगा हुआ था। समस्या का व्यापार अब किना बिल्कुल। अच्छा, ये मेहंदी के परंपरा के अंतर्गत ही जो है लगावा जाते है, और ये मैं जो है लोग बच्चन से लेके बूढ़े तक सब लोग जो है ये डिजाइन बनवावत हैं। लीला गोदावरी पहले एक परंपरा रहा। आप लीलो गोदा जाते हैं? लीला नाय गोदा जाते हैं? खाली यही डिजाइन बनावा जाते हैं। ये एक ठप्पा बनाए हो जो कि कई पैसा लेते हो? 5 रुपये में एक ठप्पा। ठीक है, आवाज कहाँ से ये दुकान आवा है? गोपालगंज। हाँ, बाकेश्वरी मंदिर। अच्छा, यहाँ पर ज़्यादातर दुकान जो है दर्शक वृंद ये नेपालेगंज के दुकान है, नज़दीक है, जयसपुर है या और सीमावर्ती क्षेत्र से ही ज़्यादा दुकान आई है। ये पूरी लाइन जो है आप विषाद खाना के दुकान है, श्रृंगार प्रसाधन, ये पूरे लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा है। और दुकान के लगे के हिसाब से कहा जाए कि यहाँ व्यवस्थित रूप से दुकान लगी है। और इधर खेल खिलौना के भी दुकान है। बच्चन मेला में खास करके कहा जाए तो बच्चन के खेले कूदे के लिए और उनके मनोरंजन के पर विशेष ध्यान रखा जाता है, और बच्चे जो है इमा आनंद लेते हैं। अब जैसे पहले रहा कि खेले कूदे के लिए खाली झलुआ रहा या कुश्ती वगैरह हुआ करता है, लेकिन आजकल खेले कूदे के लिए बहुत प्रकार के साधन के विकास बवा है। और जिमा ये खास करके देखा जाए इमा ये कुदत हैं, इका का नाम रखे हो खेल के? जंपिंग। जंपिंग ये कहाँ से लाए हो? बनकटी से। का नाम हो आपके? शान अली। कई रुपया लेते हो? 10 रुपया। 10 रुपया एक बच्चे से लेते हो? हाँ। अच्छा, कल भीड़ रहा कि आज है? आज हम आया हम खाली। आज आए हो? हाँ। आज लगाए हो? हाँ। अब निया खत्म हो बात फिर कहूँ ले जाओ कि घरे ले जाओ? घरे रखे रहा था। हाँ। अच्छा, तरफ जो है मेला में विशेष रूप से व्यवस्था रहा है। और जी नेपाल जी टेलीविजन जो है आप सब लोगन का मनोरंजन के साथ साथ में खाए पिए वाली सामग्री के बारे में भी जानकारी बतौते गवाह है। हम आप लोगन का यहाँ चटपटा के दुकान पर लेके आए हैं। चटपटा दुकान आप कहाँ से लावा गया है? ये हम एक लैनी से आए हैं। नाम हम बताओ? हमारा नाम विजय है। अच्छा, तो ये जो लाए के इधर आपके किनारे तो नहीं हुआ ये दुकान? नहीं, अब ठीक है, मेला एक हिसाब से अब चले वाला है। अच्छा, आप कुछ व्यापार बट्टा हो शाम तक? अच्छा। हाँ, इतने बच्चे ज्यादा हैं यही मारे लगाए हो? हाँ, झूला वूला लगा ही हमारे लगाए हैं। हाँ, तो थोड़ा क्या हिसाब दे तो ये कोई है हिसाब किताब? ये हिसाब है, जैसे छोटा वाला 10 के दिया जाता है। अच्छा, ये बड़ा वाला 20 के। अच्छा, 10 और 20 के हिसाब से दे तो। कल भी लाए रहे हो? ना लाए कल लाए ना, कल राप्ती जन नाम। अच्छा, कल राप्ती के? कल राप्ती मेला रहा। में यह का हिसाब मतलब कितना तक लगभग मैंने का बेचेगा राप्ती? कल व्यापार होएगा 5-6 हज़ार के। खास करके देखा जाए तो घरेलू कृषक लोगन के लिए, किसान और गरीब तबका के लोगन का ध्यान में रख के सामग्री बनाई जाते हैं, और वही सामग्री खास करके बेचे के लिए लावा जाते हैं। जो रोज़ काम लगे वही सामान का यहाँ लावा जाते हैं। और ये किसान लोगन के काम के लायक हसिया हुआ, खुरपा है, ये कहाँ से लाए भैया आप? बनाए के कहाँ से? कौन जगह? पटना कॉलोनी से लाए जी, हो? जी। अच्छा, तो ये इधर ये लावत में तुमका कोई रोकिस तो नहीं? अरे तो घास फूस काटने के लिए कोई ऐसा चीज थोड़ी ना है। हाँ, इका जो है हथियार नहीं माना जाता है? नहीं, ये तो अपना किसान का काम है। अच्छा, तो ये जो लाए हो ये बिकाए जी अंदाज है? पर साल भी लाए रहे हो? पर साल तो नहीं लाए, पहली बार आए हो जी। हैं? और भी लोग लाते हैं बेचने। ये खुरपा कई कई रुपया तक? अरे भाई 100 रुपया 110 रुपया। अच्छा, मनोरंजन के हिसाब से भी मेला में कई चीज़ के व्यवस्था रहा थे, और मैं एक तरफ मनोरंजन भी है और दूसरा तरफ खेल भी है और तीसरा तरफ ये पैसा ठगे के प्रयास भी है। तो ये हिसाब से देखा जाए ये मिला जुला कईयों प्रकार के इस जो है यहाँ व्यवस्था मेला में रहा थे। इमा बच्चे लोग निशाना लगावत हैं और इनाम भी पावत हैं। नहीं, ये गिलास गिरा थे तब पावत हैं? हैं, कई रुपया पे यहाँ? 30 रुपये के 3 बॉल है। अच्छा, एक बॉल में है 150 रुपया, दो बॉल में 100 रुपया, तीन
जो है ईमेल खिलावे के लिए मेला समिति आप लोगन का इजाजत दी से? हाँ, मेला समिति इजाजत देता है। इका जुआ नहीं कहा जाता है? जुए तो कहा जाता है, जुए तो कहा जाता है, जुए कहा जाता है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इमा निशाना भी लगावत हैं लोग, मनोरंजन भी होते हैं और इसके साथ साथ में ये जो है पैसा ठगे के प्रयास भी होते हैं। तो ये मेरे के काम भी मेला में हुआ करते है। ये लॉकेट जो है इका शौखिया लागत हो है कि फैशन के हो या का है इका कैसे? अब शौक भी एक ही होगा, फैशन भी एक ही होगा। शौक फैशन का अलग अलग तो ना रखा है, एक ही चीज होगा। कि और भी कोई उद्देश्य है? और कोई उद्देश्य ना, मेला ठेला में मनोरंजन तो है खाली, मनोरंजन बस। कई रुपया से लेके कई रुपया तक हो? अब आपके 30 रुपया से लेके 150 तक है। 150 तक? ये कहाँ से आप लाए? एकलैनी से। एकलैनी से? अच्छा, पर साल भी आवागर है कि यही साल? 6-7 साल से हम अक्सर आवा करी थे। 6-7 साल? तो पर साल अंदाज बता सको तो कि लगभग आपका कितने मनई लोग इका खरीद हुई है? अब ये अंदाज तो मान के चलो 150-150 आदमी मान के चलो। 150-200 तो अबकी तो 3 दिन के मेला है, परो साल 3 दिन रहा। हाँ, परो साल 3 दिन। अंदाज कितना है कि अभी अभी तो 100 आदमी खरीद चुके हैं? सब खरीद चुके हैं। तो ये बार तो 400-500 जाई जान पड़ रहा। हाँ, अबकी तो जाई। ठीक है, अब आज कर रहा मेला के हिसाब किताब है। अच्छा, अब कल के तो हल्का ही फुल्का रहा है। हाँ, तो इमा का होता है कि जैसे आप ये डिजाइन जो चुनिया गया है, तो ये डिजाइन अपने मन से लियो कि कोई डिमांड भी लोगन के मांग मतलब भी डिमांड हो भी होता है? डिजाइन मतलब सब मिला के रखे पड़ा, तो कुछ अपने मन के कुछ पब्लिक के डिमांड। हाँ, सब दोनों मिला के रखे पड़ा था। कोई कुछ मजहबी टाइप के लोग लेते हैं, कुछ जो नए। अब सब अपने हिसाब से रखियो तो बिक्री ना हुई है ना, पब्लिक के भी डिमांड हो चाहिए ना, वही हिसाब से। हाँ, ये बात। धन्यवाद। मेला में जो आनंद है वो सब प्रकार के आनंद जो है आप लोग इस जोगा गांव मेला में ले सका जाते हैं। और चाहे बच्चा हो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, 1 रुपया से लेके 1000 रुपया तक के नाश्ता के भी व्यवस्था है और सामग्री भी वही मेर मिलत है। लेकिन बाज़ार से यहाँ थोड़ा सस्ता मिलत है, इस वजह से लोग का ज़्यादा आनंद मेला में आवत है। तो आप लोगों का हम मेला के दर्शन कराए थे और मेला के विभिन्न क्षेत्र के तरफ हम ले के चल रहे हैं। हमेशा आते हैं। हाँ, हाँ, उससे पहले ननिहाल था। अच्छा। तो हम इंडिया से आए हैं। तो कास लगा है मेला यहाँ हमको हर साल से अच्छा ही लग रहा है मेला। कौन चीज में अच्छा लगा? यहाँ पे पहले कुछ लुमड़ाई हो जाती थी, जुआ खेलते थे पहले, जुआ में सुधार आ गया। अब समिति लोग इतना टाइट कर दिया, यहाँ कोई दंगा नहीं होता है। पहले कुछ लोग गुंडाई करते थे, लुफड़ाई करते थे, अब वो सब शासन प्रशासन समिति सब टाइट हो चुकी है। हम बराबर देखते हैं, ये 4-5 साल इतना सुधार हो गया है कि मेला में ना कहीं जुआ हो रहा है और ना कोई हल्ला दंगा लुमड़ाई हो रहा है। इधर जो चारों तरफ खिलावट है, उका कहा जी, उसको जो प्रशासन सब रोक रखा है, आए थे लेकिन प्रशासन यहाँ ड्यूटी देने लगी 8 बजे से, वो सब बंद कर चले गए। चुपके से खिला लेते हैं, प्रशासन अपनी ड्यूटी करने लगती है, वो चले जाते। में कौन चीज़ आपका अच्छा है यहाँ पे? जितनी चीजें हैं सब कुछ अच्छा लगता है, कोई भी चीज खाओ यहाँ। वैसे तो 50% तो यहाँ मांसाहारी का मेला है, सबका लोग ज्यादा है यहाँ। बहुत कुछ अच्छा, हर चीज जो बनता है यहाँ पे सब कुछ अच्छा मिलता है और शांति भी है, बहुत अच्छा लगता है मेला। मेला बहुत शांति से बहुत अच्छा है। भीड़ कैसे? भीड़ तो हर साल से ज्यादा हो रहा है, कल से कुछ आज ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा हो बढ़ते हैं और बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। दर्शक बंधु, हम जो है मेला के विभिन्न क्षेत्र से घूमत घामत और इधर एक कहा जाए दक्षिण किनारे तरफ पहुँचे हैं और इधर जो है जलपान के, वैसे तो पूरा मेला भर में जलपान के व्यवस्था है, चाट पकौड़ी सब चीज़ है। तो यहाँ जो है थोड़ा सा कुछ शांत जगह लागत है, धूल गर्दा कम उड़त है, तो यहाँ पर हम बात करें चाहे थे। आप कहाँ से आवागा है? नरसिंहगंज से। नेपालगंज नरसिंहगंज से। नेपालगंज नरसिंहगंज से? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपके? रक्षाराम गुड़िया। रक्षाराम गुड़िया, ये बतावा जाए आप हमका कि आप हर साल आवत हो कि यही साल आए? हर साल आए। और इस साल के मेला और पहले पर साल के मेला में कुछ फर्क बता सकते? नहीं, बढ़ा है मेला बढ़ा है।
और मेला खाली देखे में बढ़ा है कि कारोबार बढ़ा? कारोबार में भी बढ़ा है। तो आपके जो सुबेरे से हुई हो कि कलह से हो? कलह से। कलह से हो तो आज सुबेरे से अभी तक आपके कुछ बिक्री बट्टा कैसा रहा? ठीक है। जलपान करे वाले लोग आए? हाँ हाँ। लगभग हाँ। संख्या बता सके तो अंदाजी? संख्या तो हुई है अभी कम से कम 8-10। आपके आपके खाए पिए वाले? खाए पिए वाले हुआ है, खाए पिए वाले 50 पहुँचे? हाँ हो गई। तो अभी कई दिन रहा? अब आज आखिरी तो है जना, कल भी है तो कल अभी है। कल रही हूँ। रात के ही रुक जाते? नहीं, चले जाते फिर सुबह आई जाते। अच्छा चले जाते हो, सुबह फिर आ जाते। अब सब लोगन का मेला के विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न किनारे से और सब प्रकार से आप लोगन का मेला के दर्शन करावे कोशिश किया। आशा है कि आप लोग जो है मेला के ये कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार से आप लोग आनंदित हुआ गा हुई और भरपूर आनंद लिया गा हुई। मेला जो है अपने आप में ही बेमिसाल होते है। मेला में जो आनंद प्राप्त होते वो आदमी जिंदगी भर याद रखत है। और यही कारण है कि मेला में जो है छोटे से लेके बड़े तक, बच्चे से लेके बूढ़े तक, औरत से लेके मर्द तक, और जो है सब प्रकार के छोटे सब लोग यहाँ आवत हैं और अपने अपने हिसाब से आनंद प्राप्त करत हैं। मेला के आनंद जहाँ खेलकूद और कहा जाए खेलकूद है, वहीं पर खान पीन भी है, चहल पहल भी है और आइसक्रीम। और आधुनिक लोग जो है आइसक्रीम वगैरह भी खाए के आनंद लेते हैं। तो मेला हजुर अंकल यहाँ एकदम रमाइलो है, एकदम रमाइलो वातावरण है। यहाँ मेरे भनाई के धेरै भन्दा धेरै मान्छेहरु आउनु पर्यो के हैन अंकल? अच्छा मेला जो है यही साल आयो कि पहले भी आयो? मेरा घर अंकल, मेरा घर यहाँ है, जब भी लगता है हमें जब भी आता हूँ, तब जब जब जा लगता है तब तब आता हूँ। मेरा घर यहाँ आगे मेला में आपका सबसे अच्छा क्या लगा? यहाँ की व्यवस्था है वो सबसे अच्छा है, हर साल से इस साल व्यवस्था सबसे बढ़िया है। ये जो दुकान के यहाँ जो व्यवस्था है, लाइनिंग है, ये सब आपका कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हर साल से इस बार सबसे अच्छा व्यवस्था है। जो बॉर्डर पे साइकिल वगैरह मोटरसाइकिल अंदर नहीं लाने देते हैं, केवल आदमी को ही आने देते हैं मेला में। इस हर साल से इस साल सबसे बढ़िया सुंदर व्यवस्था है। अच्छा यहाँ पर मेला में जैसे कुछ सक्ता और भक्ता के खाए पिए के जो है तो उन व्यवस्था मतलब अलग अलग है, दुकानें अलग अलग है। और कैसा लगा आपका ये? अरे अब ये व्यवस्था धार्मिक मेला है लेकिन यहाँ अब नेपाल में चाल चलन है कि खाना रक्सी खाना मासु खाना, तो इसकी व्यवस्था बाग में थोड़ा किए हुए हैं। और बाकी व्यवस्था यहाँ मिठाइयाँ खूब अच्छी बनी। इस बार खाजा की दुकानें नई दुकानें आई हैं, खाजा की एकदम लाइन से नई दुकानें आई हैं। इस साल हर साल से बढ़िया सुंदर व्यवस्था है। मतलब कुल मिला के मेला आपका आनंदित लगा? आनंदित लगा, बढ़िया लगा। ना कोई छेड़खानी है, ना कोई लयमारी है, ना कोई लूटपाट है, ना कोई कुछ नहीं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। इमा और कुछ सुधार किया जा सका? हाँ बिल्कुल सुधार किया जाता है, आने वाले समय में बहुत सुधार होगा इस बार। और जो हमारी रोड नेपालगंज से जो रोड आई है बनी है, इस समय जो नया रोड है इसके वजह से और ज़्यादा मेला में लोग आना पसंद कर रहे हैं। अच्छा ये आप तो आध्यात्मिक व्यक्ति हो, ये जो तालाब है सरोवर इके व्यवस्था के प्रति इसकी व्यवस्था और सुंदर बनाए। तालाब एक धार्मिक दृष्टिकोण से तालाब को एक स्नान करने का, स्नान करके पूजा पाठ करने का, राम जानकी मंदिर में जाने का एक सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए। तालाब को और सुंदरीकरण होना चाहिए, तालाब को और सुंदर बनाए। जितना मेला में इस मेला समिति वाले जितना माया उठाते हैं, जितना पैसा उठाते हैं, उस पैसे को इधर उधर न खर्च करके बाकी इसको एक सुंदरता सौंदर्यकरण में लगाएं, तालाब को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं, जिससे लोग आने वाले मेला के लोग प्रभावित हों और आने वाले समय में और अधिक से अधिक आने का प्रयास करें। थोड़ा सा नाम और परिचय? मेरा नाम पवन सोनी, नेपालगंज रानी तालाब। वैसे मैं आध्यात्मिक विचारधारा का व्यक्ति हूँ और संत निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब मेला में आया हूँ घूमने टहलने। लेकिन यहाँ का सुंदर व्यवस्था देख करके बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। संत निरंकारी मिशन तो आध्यात्मिक और खास करके जो है अनुशासन के तरफ बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये मेला अनुशासित लगा आपका? हाँ मेला तो अनुशासित लगा। मिशन के तरफ से कोई यहाँ कार्यक्रम तो नहीं है? हाँ मिशन के तरफ से कोई कार्यक्रम नहीं, सब मिशन में अभी
28 गते कल से समागम शुरू हो रहा है समलखा हरियाणा में, तो सभी वहीं गए हुए हैं। अब दास को भी कल जाना है। धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। लाए हो तो इनके यहाँ समिति वगैरह का कुछ शुल्क वगैरह देख पड़ता है? हाँ, 20 रुपया पड़ा था। 20 रुपया पड़ा था रोज के? नहीं, हाँ आखिर में पूरा मेला भर के। अच्छा, जोर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं? नहीं नहीं। ठीक, धन्यवाद। ये जोगा गांव मेला के बारे में थोड़ा सा ये बतावा जाए, जो आपके जानकारी में हो कि जोगा गांव मेला कब से है या इसके पीछे का महत्व है, आध्यात्मिक महत्व या धार्मिक महत्व का है? महत्व ये है कि ये कार्तिक मास जो होता है, कार्तिक महीना, ये बहुत उत्तम महीना है और जो है ये देवताओं की दिवाली मनाई जाती है। पूर्णमासी को दिन भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध किया था, उसी के उपलक्ष में देवताओं ने दिवाली मनाई थी और वही के उपलक्ष में मेला तो बहुत पुराना लग रहा है। हमें तो विशेष जानकारी नहीं कि कब से ये लग रहा है, लेकिन उसी के उपलक्ष में मेला लगाया जाता है। और तो कार्तिक महीना जो है, भगवान विष्णु ने पृथ्वी को सृष्टि को बचाने के लिए अवतार लिया था, मत्स्य अवतार लिया था, तो वही सब उपलक्ष में जो है मेला लगाया जाता है खुशहाली में। धन्यवाद। अपने नाम हो थोड़ा? नाम तो हमारा राकेश कुमार अवस्थी है, ठिकाना धम्बोजी, वार्ड नंबर 1। तो दर्शक बिंद, जैसा कि आप मेला के बारे में भी जानकारी लिया गया प्राप्त हुआ, और इसके साथ साथ मेला के महत्व, स्नान के महत्व के बारे में भी आप लोगों का जानकारी प्राप्त हुआ। मेला के अब हम धीरे धीरे मेला के समापन, और देखा जाए यहाँ के नवयुवक लोग मेला से कितना आनंदित होते, बाजा वगैरह बजाते सब आ रहे हैं। तो मेला जो है आनंद के, भरपूर आनंद के लिए जो है मेला माना जाता है, समझा जाता है। ये मेला में यहाँ आप जो है ये दुकान कहाँ से लेके आवागा? नेपालगंज से। कौन जगह? त्रिभुवन चौक के पास में। क्या नाम हो यार? बराती लाल। ये जो मेला के मिठाई है ये आप यही बनावागा है कि घर से लावागा? यही पर बनावागा, घर से नहीं ले थे कोई सामान। हाँ, सब यही तैयार होते। अच्छा, हमें थोड़ा सा आप ये बता सके तो कि पहले जो है दीपावली में बहुत ज़्यादा मिठाई बनता है, और जब मिठाई के खपत पूरा ना होता है तो उका जो है ये मेला ठेला में भी ला के वो बेचा जाता है, जिसे जो है मेला के प्रचलन यही मारे भवा रहा कि बहुत सी चीज़ें, खाली मिठाई नहीं, लैया भवा, भूजा भवा, बतासा भवा, खेल खिलौना भवा, तो ये सब दीपावली के लिए पहले बना हुआ जाता है महीनों पहले, और ना बिकाता है तो यही मेला ठेला में उका बेचा जाता है। लेकिन का अब तो दीपावली के मिठाई तो उतना बचत ना हुई है, तो ये बारे में थोड़ा सा बताओ। दीपावली की मिठाई पहले एक महीना पहले बनत रहा है, अब करवा के बाद से बनत है, कुल मतलब 10-8 रोज में मिठाई बनत है, 15-15 कारीगर रहा थे। दीपावली के पौवा आज से मिठाई 1-2 किलो बचा तो कोई यहाँ मेला नहीं आया। बस और पहले रहा तो खाली दिवाली में मिठाई रहा, अब तो भैया दूध चबो सब चीज़ में मिठाई चल, सब चीज़ में मिठाई चलन है, सब चीज़ का चलन, मिठाई का, फल फूल का, और नहीं बचत बिल्कुल नहीं। जो मिठाई है सब यही तैयार, सब यही तैयार कर सके तो सैंपल ले को सैंपल ले ले, यही खपत भी हो जाते, यही खपत हो जाते हैं। हाँ, कुछ बच के नहीं आते। कई दिन रहा जाए अभी? हम शनिचर तक रह गए। शनिचर तक? हाँ, शनिचर के मतलब है कि आज तो बुध है और बीफ है सूख शनिचर, तो यानी मेला आपके हिसाब से 5 दिन तक रहे? मेले वो 5 दिन रहा था कि खाली आपके दुकान? मेला भी 5 दिन रहा था, दुकान भी रहा था। हाँ, और ये जो आप दुकान यहाँ लगावा गया है तो ये वापस आप समिति का कुछ देव एक पड़ा था? अरे 1,000-1,500 रुपये देख पड़ा था बस, और कुछ नहीं ज़्यादा। ये 1,500 रुपया वापस समिति आपका का चीज़ देते है? का चीज़ देते है? जमीन दीस, सुविधा दीस। अच्छा। और पुलिस दीस। बत्ती अलग से 500 रुपया? हाँ, 1 हफ्ते का 500 रुपया। मतलब मेला कैसा है कल से आज? मेला कैसे कल से? तो आज भी गरु है, कल भी गरु रहा है मेला। कल भी गरु? हाँ। आप संतुष्ट हो? संतुष्ट हूँ। हाँ, जो सामग्री दिखाई देते? हाँ, सब सबके फोटो खींच सकते हो आप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जो है कहा जाए
इनके लोगों के कार्यक्रम जुड़ा है और ये लोग बराबर जो जो जोगा गांव मेला में बराबर आवा करते हैं और बराबर इन लोगों के दुकान भी आवत है। तो इस हिसाब से कहा जाए कि ये लोग जोगा गांव मेला के पर्यायवाची हैं और मिठाई जो है तो इन लोगों के पारंपरिक उत्पादन या पारंपरिक व्यवसाय के रूप में है। अब धीरे धीरे मेला के भीड़ बढ़ते जा रही है और आसपास के लोग खाए पी के सब काम धाम करके और आप मेला में जो है आए गए हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनके संख्या मेला में बढ़ते जा रही है। सीधे चलो थोड़ा घूम के ले लो इधर पूरा। हाँ बस चलो सीधे। दर्शक बंधु, जब हम मेला में प्रवेश किए रहें तब आप लोग देखा गा हुई कि उस समय मेला में सड़क पे कोई खास भीड़ ना रहा, लेकिन वही भीड़ अब धीरे धीरे एकदम बढ़ते गई है और इस समय जो है मेला कहा जाए अभी भी मेला भीड़ बढ़ते जा रही है और 4 बजे तक ये मेला के भीड़ बढ़ते रही है। 4 बजे के बाद ही ये मेला के भीड़ में कुछ कमी आवे शुरू हुई है जब लोग वापस अपने घर तरफ चले शुरू करी है। तो दर्शक बंधु, आप सब लोगों का जोगा गांव के मेला के दर्शन करावागा और बहुत से लोगों से बातचीत भी करावागा। मेला में जितने प्रकार के भी सामग्री बिके आई है उन लोगों के भी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करावागा। ये जोगा गांव मेला के ऐतिहासिकता यानी के बारे में जानकारी भी आप लोगों का करावे कोशिश किया गया है। आज के ये जोगा गांव मेला के बारे में भरपूर जानकारी करावे के लिए छायांकन करके सहयोग करे वाले प्राविधिक मित्र कैमरामैन रोहित निषाद जी का धन्यवाद दे चाहिए है और साथ में रोहित निषाद जी के साथ में हम जो है कार्यक्रम प्रस्तोता विष्णुलाल कुमार जी नेपाल एचडी टेलीविज़न के तरफ से आज के ये कार्यक्रम के यही समापन करे का चाहिए थे। धन्यवाद। एसडी टेलीविजन अब तपाईं सँगसँगै।